नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने टेली का नया वर्जन जो जीएसटी के लिए था उसे इंस्टॉल कर लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा। आज की वीडियो में मैं जीएसटी को कैसे आपको टेली में इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। जीएसटी से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को करने के लिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए आपको किस तरह से मास्टर्स यानी लेजर्स क्रिएट करने हैं, डेटर क्रेडिटर और जो टैक्स हैं जीएसटी के संबंधित जो टैक्सेस हैं उनके लेजर्स हमको किस तरह से टेली में ओपन करने हैं, उनको किस तरह से कॉन्फिगर करना है, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएसटी को टेली में इम्प्लीमेंट करने के लिए या जीएसटी से संबंधित एंट्रीज करने के लिए आपको नए वर्जन में एक नई कंपनी बनानी है। मैंने यहाँ पर एक जीएसटी डेमो नाम से एक नई कंपनी क्रिएट करी है और उसके अंदर यहाँ पर स्टेट भी डाल दिया है राजस्थान, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 सेलेक्ट कर लिया है और इसे एक्सेप्ट कर लिया है। नई कंपनी बना लेने के बाद आपको F11 प्रेस करना है और टैक्सेशन वाले ऑप्शन में जाना है। टैक्सेशन में आपको सबसे पहले दिखाई देगा जीएसटी, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और इसके नीचे जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को भी यस करना है। जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो आपको जीएसटी डिटेल यहाँ पर इनपुट करनी है। आप अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटीएन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ टाइप करना है। दोस्तों, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर रॉन्ग नंबर इनपुट कर लेते हैं तो टेली आपको वैलिड जीएसटीएन फॉर्मेट के बारे में बताएगा कि वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या नंबर्स और डिजिट्स होने चाहिए। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर रॉन्ग इनपुट कर दिया है, मेरा स्टेट यहाँ राजस्थान है और मैंने गलती से यहाँ पर कोई और कोड यहाँ टाइप कर दिया, जैसे यहाँ 29 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कोई और कोड टाइप कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी स्टेट है उसका कोड आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से पता पड़ जाएगा। टेली आपको एक वार्निंग देगा, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया या 05 लिख दिया और एंटर किया तो इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि लास्ट में एक डिजिट और मुझे डालनी है। देखिए, यहाँ लास्ट में मैं एक डिजिट और डाल देता हूँ, देन फिर एंटर करता हूँ तो देखिए हमारा जो स्टेट मैंने सेलेक्ट किया है राजस्थान, और राजस्थान का कोड है 08। अब मुझे यहाँ पर 08 सेलेक्ट करना है तो बैक स्पेस से मैं ऊपर गया और 08 इंसर्ट की को मैंने कीबोर्ड से ऑफ कर दिया है, 5 पर जाकर मैंने 8 टाइप कर दिया, देन एंटर। अब मेरा जीएसटीएन नंबर यहाँ पर परफेक्ट सेट हो गया है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई आपको सेट करना है, बाय डिफॉल्ट ये 1 जुलाई यहाँ पर पहले से ही आ रहा है। अब यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल लिखा हुआ है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप एक ही तरह के गुड्स में काम करने वाले हैं और जिसकी जीएसटी रेट यानी टैक्स की रेट आपकी एक ही तरह होने वाली है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अभी आप फिलहाल के लिए हम कल बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आगे वाले वीडियोस में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा जीएसटी क्लासिफिकेशन क्या है और नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनका क्या मीनिंग है, लेकिन अभी आप यहाँ इसको स्किप कर दीजिए, एंटर करके इस ऑप्शन को सेव कर लीजिए और ये सारे जो हमने दोनों ऑप्शंस यस किए हैं इन्हें भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए और बाहर आ जाइए। अब आपको कुछ बेसिक लेजर्स बनाने हैं। मैंने यहाँ कुछ लेजर पहले से बना रखे हैं, आप भी पेपर और पेन ले लीजिए और साथ साथ में इन लेजर्स को, डमी लेजर्स को एक बार नोट कर लीजिए या आप मेरे साथ साथ टेली में इन्हें ओपन भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक कैपिटल का लेजर बना लीजिए, देन आपको बनाना है परचेज। परचेज दोस्तों आपको दो तरह की बनानी है, एक परचेज बनाना है लोकल विद इन स्टेट वाला, यानी जो हम माल परचेज करेंगे वो विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में हम माल जब खरीद रहे हैं तो आपको एक लेजर परचेज का बनाना है। इसका ग्रुप सेलेक्ट करना है, आपको परचेज एंटर प्रेस करना है और नीचे आपको जीएसटी एप्लीकेबल ऐसा एक मैसेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एप्लीकेबल है, देन एंटर प्रेस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ अभी आपको यस नहीं करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सेलेक्ट करना है गुड्स, देन एंटर प्रेस करके इसे आप सेव कर लीजिए। आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको परचेज के अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही लेजर में लोकल और इंटर स्टेट दोनों परचेज को मेंटेन कर पाएंगे। हम अगले वाले वीडियो में वो चीज़ भी सीखेंगे, अभी मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के समझाने वाला हूँ। अगला लेजर बनाना है आपको परचेज इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट।
सेम परचेस ग्रुप सेलेक्ट करना है, एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो रखना है, टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई तो गुड्स लेना है, एंटर प्रेस करके इसे सेव करना है। तो मैंने परचेस के दो लेजर बना लिए हैं। इसी तरह से सेल्स लोकल, सेल्स का लेजर ग्रुप सेल्स एप्लीकेबल नो गुड्स देन एंटर। इस तरह से सेल्स इंटर स्टेट सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब कुछ क्रेडिटर और डेटर बनाने हैं। डेटर और क्रेडिटर भी आपको दोनों तरह के लोकल भी बनाने हैं और इंटर स्टेट वाले भी बनाने हैं। तो हमारा जो एक क्रेडिटर है चेतन एंड सन्स जयपुर की पार्टी है, लोकल इसको मैंने डिफाइन किया है। क्रेडिटर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, बिल बाय बिल मेंटेन पहले से आ रहा है ये रेस रहेगा, देन एंटर प्रेस करके आपको ध्यान रखना है कंट्री के बाद स्टेट आप सेलेक्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको उस पार्टी का स्टेट सेलेक्ट करना है, इससे ये पता पड़ेगा कि वो लोकल आपकी पार्टी है। राजस्थान सेलेक्ट करना है, देन नीचे आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसे यस करना है और यहाँ पर उस पार्टी से रिलेटेड सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पर इनपुट करनी है, उसका जीएसटीआईएन नंबर यहाँ इनपुट करना है, देन पार्टी टाइप अभी आप इसे नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर नो ही सेट कर दीजिए, देन एंटर प्रेस करके बाहर आ जाइए। इसी तरह से एक आप बना लीजिए इंटर स्टेट क्रेडिटर, हमारी एक पार्टी बालाजी लिमिटेड इंदौर, ये मैंने इंटर स्टेट पार्टी बनाई है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि हमारी कंपनी राजस्थान में एस्टेब्लिश है और इसकी वजह से ये इंटर स्टेट क्रेडिटर इंदौर का जो क्रेडिटर है वो हमारा इंटर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ मैंने उसका स्टेट ले लिया है मध्य प्रदेश, देन नीचे आकर आपको जीएसटीएन डिटेल पूरी उसकी फीड करनी है, उस पार्टी से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ डालनी है और इसे सेव करके बाहर आ जाना है। इसी तरह से दोस्तों आप डेटर के लेजर्स भी बना लीजिए, लोकल डेटर और इंटर स्टेट डेटर, दो आप डेटर के लेजर बना लीजिए। और अब आपको बनाने हैं तीन जीएसटी लेजर्स, तो थ्री जो जीएसटी लेजर्स बनेंगे उसमें फर्स्ट आप बनाइए सीजीएसटी और इसे आप ग्रुप में सेलेक्ट कीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, देन सेंट्रल टैक्स, टैक्स टाइप में आप इसे सेंट्रल टैक्स ले लीजिए और यहाँ पर अभी टैक्स रेट आपको सेट नहीं करना है, एंटर प्रेस करके आप इसे सेव कर लीजिए। दूसरा आपको बनाना है सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, इसे भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले लीजिए, जीएसटी टैक्स के अंदर सेलेक्ट कीजिए, स्टेट टैक्स इसका टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, देन एंटर करके इसे भी सेव कर लीजिए। थर्ड जो लेजर बनेगा वो बनेगा आईजीएसटी, इसे भी सेम इस तरह से ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, टैक्स टाइप में आपको सेलेक्ट करना है इंटीग्रेटेड टैक्स, देन इसे भी आप सेव कर लीजिए। अब हमारे सारे लेजर्स बन चुके हैं, अब हमें बनाना है स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। इन्वेंट्री इन्फो में आप जाएं गेटवे ऑफ टेलीमे से, इसमें स्टॉक ग्रुप और यहाँ आपके लिए एक ग्रुप क्रिएट किया है मॉनिटर। इस मॉनिटर ग्रुप को आप प्राइमरी मानते हुए नीचे क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिट इसे यस कर लीजिए, देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसे यस करके आप इसकी डिटेल, इस आइटम की जो डिटेल है यानी हम जो मॉनिटर ग्रुप बना रहे हैं ग्रुप वाइज हम सारी डिटेल यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया है, एचएसएन नंबर यहाँ पर इनपुट कर लिया है, देन रेट जो है आपको इंटीग्रेट टैक्स वाली रेट यहाँ पर इनपुट करनी है 18%, जो भी रेट हो एक्चुअल में वो आपको यहाँ इनपुट करनी है। इंटीग्रेट टैक्स में आप जैसे यहाँ रेट डालेंगे बाइफर्केशन उसका अपने आप हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स 99% अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा। सपोज अगर आप 24% डालेंगे तो 12% अपने आप बाइफर्केशन हो जाएगा। अभी मैं 18% के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देन इसे सेव कर लीजिए। अब हमारा जो स्टॉक ग्रुप है वो मॉनिटर बन चुका है, अब हमें आइटम बनाना है स्टॉक आइटम। आइटम में भी दो आइटम मैंने क्रिएट किए हैं, एलजी मॉनिटर उसे अंडर द ग्रुप ऑफ मॉनिटर में रखा है, उसकी एक यूनिट बना ली है नंबर्स और इसके अंदर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसे मैंने अभी स्किप कर दिया है, इसे सेट नहीं किया है, एंटर करके ये गुड्स है हमारा, देन एंटर करके इसे सेव कर लीजिए। सेम इसी तरह से आप एक और आइटम है सोनी मॉनिटर इसे भी बना लीजिए। तो हमारा अब स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गए हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गए हैं, लेजर्स क्रिएट हो गए हैं। अब बात आती है एंट्रीज की। एंट्रीज को करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। फर्स्ट एंट्री हम पोस्ट करेंगे कैपिटल की, 5 लाख कैपिटल मैंने बिजनेस में लगा दी है। नेक्स्ट एंट्री दोस्तों हमको करनी है परचेज की। परचेज वाउचर आप ओपन कर लीजिए, पार्टी का नाम, मैं लोकल जो हमारा क्रेडिटर है चेतन एंड सन्स उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन
परचेज के मैंने दो लेजर बनाए थे, परचेज इंटर स्टेट और परचेज लोकल। तो यहाँ हमारी लोकल परचेज हो रही है, विद इन स्टेट का हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए परचेज लोकल विद इन स्टेट वाला लेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम एलजी मॉनिटर 10 नॉर्म्स 1000 ईच। आप बोलेंगे कि मॉनिटर 1000 में कैसे, तो यहाँ मैं केवल डमी एंट्रीज कर रहा हूँ, 1000 कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। देन अब यहाँ हमारी लोकल परचेज हो रही है, इसलिए हमें CGST यूज़ करना है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वाउचर की डेट है वो 1 अप्रैल है और हमारा जो GST है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, इसलिए F2 प्रेस कीजिए और यहाँ वाउचर की डेट 1 जुलाई आप एंटर कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन हो चुकी है। तो एक तो आपको CGST लेना है और आप एक ले सकते हैं SGST, दोनों ही टैक्स यहाँ पर परचेस लोकल विद इन स्टेट वाले लेजर के साथ आपको यूज़ करने हैं। देन इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। ठीक इसी तरह से एक परचेस हम इंटर स्टेट भी कर लेते हैं, जैसे हमारा एक क्रेडिटर है बालाजी इंदौर, इंटर स्टेट क्रेडिटर है, उसका मैंने यूज़ किया और परचेज लेजर अब की बार इंटर स्टेट सेलेक्ट कर लिया। देन फिर से मैंने वही आइटम उसको परचेस करने के लिए बोला, 10 1000 ईच, और चूंकि ये परचेज इंटर स्टेट है इसलिए हमको यहाँ पर IGST इंटीग्रेटेड GST वाला लेजर जो हमने टैक्स का बनाया था उसे यूज़ करना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे कैलकुलेशन होकर अपने आप आ जाएगी। इस परचेज को भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अब बात आती है सेल्स की। सेल्स करने के लिए हमको फिर से सेल्स वाउचर में जाना है, पार्टी का अकाउंट नेम। अब यहाँ पर मैं पार्टी जो है वो लोकल पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमारी जो लोकल पार्टी है दुर्गेश एंड कंपनी विद इन स्टेट। देन सेल्स के भी मैंने दो लेजर बनाए हैं, लोकल और इंटर स्टेट, लोकल सेल्स, और यहाँ पर LG मॉनिटर 5 नॉर्म्स 3000 ईच, और लोकल सेल्स है इंटर स्टेट है, तो दोनों में डिफरेंस है। सेल्स मैंने यहाँ पर लोकल यूज़ किया है इसलिए मुझे CGST और SGST दोनों लेजर्स का यूज़ करते हुए एंट्री पोस्ट करनी है। एक और सेल्स कर रहा हूँ इंटर स्टेट, इस बार इंटर स्टेट जो मेरा डेटर है दीपक एंड कंपनी गुजरात, उसे मैंने यूज़ किया, सेल्स इंटर स्टेट सेलेक्ट किया और LG 5 नॉर्म्स 3000 ईच, और यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स हो रही है इसलिए IGST आपको लगाना है। तो आपने देखा होगा कि बड़े ही आसानी से हमने सेल्स और परचेज की एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। टैक्स की रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको मिलेगा स्टेटरी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में GST। जैसे आप GST पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा GSTR 1। दोस्तों GSTR 1 जो है उसमें आपको सेल्स की सारी रिपोर्ट दिखाई देंगी, या यूँ समझ लीजिए कि जो गुड्स आपके बिजनेस से आउटवर्ड होगा बाहर जाएगा उस पर लगने वाले टैक्स की रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। अभी मेरी दो एंट्रीज इंटरस्टेट और लोकल जो एंट्री थी मेरी गुड्स को बेचने की, वो दोनों एंट्रीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं और मेरे कस्टमर से मुझे मिला है 5400। इसी तरह से GSTR 2 जो है वो परचेस या गुड्स जो इन्वर्ट होगा आपके बिजनेस में, जो गुड्स आएगा उसकी रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जब हमने गुड्स परचेस किया तो उस पर हमने टैक्स दिया है 3600। अब बात आती है इनपुट क्रेडिट की, और इनपुट क्रेडिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा चूंकि CGST, SGST और IGST हमने एक ही लेजर बनाया था तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और बैलेंस शीट में आप देखेंगे लाइबिलिटी साइड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको 1800 दिखाई दे रहा है। ये 1800 किस तरह से दिखाई दे रहा है उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में की है। आप देखेंगे 5400 जो हमने सेल्स करते समय हमारे कस्टमर से लिया था, 3600 हमने परचेस पर दिया था, तो इसमें से 5400 में से 3600 हमने लेस किया तो हमें इनपुट क्रेडिट मिली 1800 की। यानी आपको केवल जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो करना है 1800 रुपीज़। अब इसे कैसे पे करना है उसके लिए आप चले जाइए अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर में आ जाना है आपको। पेमेंट वाउचर में आकर आप F2 से इसकी डेट चेंज कर लीजिए 31 मार्च, देन F12 से इसे सिंगल एंट्री मोड में ले आइए, ऊपर से दूसरा ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड, और अल्ट एस से आप स्टेटरी पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, अल्टर के साथ एस प्रेस कीजिए। टेली आपसे पूछेगा आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, GST, डेट डाल दीजिए,
फर्स्ट जुलाई टू 31st मार्च रेगुलर एंटर। यहाँ आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो यूज़ कर लीजिए, जिस मोड में आप पेमेंट कर रहे हैं कैश और बैंक, और एक एक लेजर जो हमारा टैक्स का है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। IGST जो कि 900 लाइब्रेटी में था, इस तरह से CGST जिसकी लाइब्रेटी 450 थी, और SGST जिसकी लाइब्रेटी हमारे 450 थी। देन एंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाइए। यहाँ आप प्रोवाइड GST डिटेल भी है कि किस तरह से आप मोड ऑफ पेमेंट क्या रखना चाहते हैं, कैश, चेक, ओवर द काउंटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, नेट बैंकिंग, किस तरह से आप ये पेमेंट गवर्नमेंट को करने वाले हैं। आगे और भी इसका एडवांस वर्जन आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इसे एंटर करके सेव कर लीजिए। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करने वाला है। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो आपको लाइबिलिटीज़ दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ हमने पे कर दी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको GST का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है, और आने वाले वीडियोज़ में इसका एडवांस लेवल भी मैं बनाने वाला हूँ। आपको कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप एडवांस GST के बारे में समझ पाएंगे और एंट्रीज़ को कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, हम सही काम कर रहे हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।